हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। आशा चली गई है स्कूल और घर की मैंने कर ली है पूरी क्लीनिंग। मैं सोच रही हूँ, कल आपको पता है, जिसने वीडियो देखी उसको पता है, कल मैं दाल भी बनाने वाली थी बट मैंने दाल बनाई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि हस्बैंड को पूछती हूँ, अगर ये घर पे आ जाएंगे आफ्टरनून में तो बना लूंगी, नहीं आएंगे तो शाम को खा लेंगे, तो शाम को बना लूंगी। बट वो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैंने आज बाहर ही खाना खा लिया है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो आज वो दाल कल उबाली हुई थी तो उसको मैं तड़का लगाऊंगी आज, और ये राइस है इसे धो के ना अच्छे से धो लेते हैं इसे। पहले थोड़ी देर से पानी में भिगो के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं राइस को पकने के लिए रख दूंगी, फिर इसमें राइस को पकने के लिए रख दूंगी। आज मैं जिम भी नहीं गई, आज मैंने जिम से छुट्टी की है, मैंने सोचा अब घर पे रहूंगी, खाऊंगी पीऊंगी एंजॉय करूंगी। और सुबह बनाई थी मैंने अंडे की भुर्जी बनाई थी, तो अंडे की भुर्जी ही पड़ी है, तो थोड़ी सी हस्बैंड ने खाई, थोड़ी मेरे लिए पड़ी हुई है तो मैं वो खा लूंगी। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ आज, ये देखिए आपको पता है ना, ये उगाए थे फिलिपिनो ने, ये वाले जो ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े वाले है ना, ये वाले उगाई थी इसने, बेल इसको बोलते हैं हम लोग पंजाबी में, बोलते हैं बेल, मतलब बेल के होते हैं ना जो फटाफट चढ़ जाती है ऊपर, है ना। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। और ये वाली है मेरी मिर्ची, ये वाली है हरी मिर्ची, ये मैंने उगाई है, तो देखना जब लगेगी ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मौसम देखिए आप, कितना प्यारा मौसम हो रखा है, धूप हो रही है अच्छी सी, अभी ठंड लग रही है। आज मैं खाने वाली हूँ एक ब्रेड पीस लिया है मैंने, और ये सुबह की जो भुर्जी बची थी ये वाली मैंने गर्म कर ली है। भाई खाना बचा हो तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाना ही चाहिए। ये है मेरा बटर, ये देखिए मैंने ड्रॉ को कैसे सेट किया हुआ है, एक से एक चीज़ अंदर भरी हुई है, अभी जगह ही नहीं होती, क्या करे बंदा, अभी वैसे ही सेट कर लिया है। चलिए अंडे की भुर्जी रेडी हो गई। मैंने क्या क्या लिया है, मैंने अंडे की भुर्जी थोड़ी सी और साथ में एक ब्रेड, थोड़ा सा पिकल और एक चिल्ली ले ली है। सिंपल सिंपल खाना खाएंगे और कुछ नहीं, भूख बहुत ज़ोर से लगी है मुझे, भूख आजकल बहुत ज़ोर से लग जाती है। आज मैं जिम भी नहीं गई, मैंने सोचा छोड़ दो कोई बात नहीं, आज यार थोड़ी सी देख पेट वेट पतला हो गया, आज थोड़ी सी डाइट ब्रेक करते हैं, जो मैं डेली एक दो दिन बाद करती ही रहती हूँ। वेट अपना लेवल पे लेके आओ, फिर ब्रेक करे जाओ, कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं है, जिम करते जाओ, वेट करते जाओ लूज अपना, और जब दिल करे वेट लूज करने को तब थोड़ा सा खाना स्किप करना शुरू कर दो, इन द सेंस कि स्किप द मतलब कि आप हेल्दी खाना शुरू कर दो, थोड़ा सा आलतू फालतू चीज़ें छोड़ दो। मैं तो वैसे भी घर का खाना ही खाती हूँ ज़्यादातर, बाहर का बहुत पसंद है बट यहाँ पे इंडिया जैसा खाना नहीं मिलता तो घर पे ही बना लेते हैं। फिर लो जी, मैंने पहन लिया है एप्रन और अब मैं लगाने जा रही हूँ दाल को तड़का। मेरी मम्मी खाना कैसे बनाती है हमें नहीं पता चलता, कब किचन में क्या खाना पक गया है क्या खाना पक गया है, और वो खाना तब पता चलता है जब मम्मी कहती है खाना बन गया है, ठीक है ये सब्जी बन गई है। और मेरा क्या होता है, मेरा कल से शुरू होता है, मैंने ये बनाना दूसरे दिन तक वो ही चीज पकती रहती है। मेरी मम्मी एक दिन मुझे फोन करके बोलती है, कहती है तूने तो कल बोला था मैं ये खाना बना रही, तूने अभी तक नहीं बनाया। थोड़ी सी लेजी हूँ मैं सब्जियां वब्जियाँ बनाने में ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे किचन के काम ही अच्छे लगते हैं, बट मैं कर लेती हूँ, करने पड़ते हैं इसलिए। चलिए फिर करते हैं दाल बनाते हैं। तो दाल बनाने के लिए मैं आपको बता दूँ, पहले यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए है और ये है टमाटर, और ये मैंने प्याज की थोड़ी ऊपर वाले ग्रीन ओनियन होते ना वो वाले मैंने ले लिए, क्योंकि ज़्यादा पड़े थे मेरे पास, वैसे ऑप्शनल है आपको डालना है नहीं डालना आपकी मर्जी है। तो चलिए रेडी करते हैं अभी दाल को, गैस को करते हैं और मेरा फेवरेट लाइटर से मजा आता है यार। यहां से मैंने निकाल ली है अपनी कढ़ाई, लाइटर ऐसे चलाने में मजा आता है और आयशा क्या करती है, आयशा चला चला के देखती है, मैं सोचती हूँ बच्चा है तो मैं उसे मना करती हूँ कि नहीं तुम नहीं चलाओ। तो अभी मैं निकाल रही हूँ यार, ये
कौन सा ऑयल था, ये था पूड़ियों वाला ऑयल। हाँ ये मैंने पूड़ियाँ बनाई थी उसके लिए ऑयल बचा था उसमें से। आज मैंने एक कुछ सामान मंगवाया है उसमें ऑयल की वो शीशी है, मैं आपको दिखाऊंगी क्या शीशी है, बहुत मज़ेदार। मैंने एक बोतल मंगवाई है बहुत मज़ेदार और मुझे पता है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी ऑयल, ऑयल थोड़ा ऑयल थोड़ा सा डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। पर आप एक बात बताओ कि जो पुराने लोग थे ना वो ऑयल घी ये सब ना बहुत ज़्यादा डालते थे, और घी में तो मतलब लोग मेरे आज भी चाटते चाटते हैं जो घी में पकाते हैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। अभी अभी कहाँ, अभी फोन कंट्रीज में घी भी कहाँ रह गया यार, इतना महंगा मिलता है। तो हिसाब से सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं, नहीं तो खाना भी घी में ही पकता था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा था पूरे घी में खुशबू खुशबू। अब तो बस बच्चों के लिए निकालते हैं कि हाँ चलो बच्चे खा लेंगे, इसलिए बस करते हैं कि घी बच्चे खा लेंगे, तो इतना ही घी 1 kg 2 kg। तो आपने प्याज के अंदर डाल देना है, नहीं ऑयल के अंदर डाल देना है जीरा, जीरा डाल के फिर आपने वो लाल, मैंने तो लाल मिर्च की 2 डाली है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो डाल लेनी है। उसके बाद डाल दिया है प्याज, प्याज को भुनेंगे तेज से, अभी प्याज को भुनेंगे सही से। और मेरे डिब्बे में हल्दी ख़त्म हो गई है, तो मैं क्या करती हूँ पहले ये हल्दी टर्मरिक पाउडर में रिफिल करते हैं। ये इसके अंदर डाल देती हूँ, मुझे सुबह लग रहा था हल्दी है ही नहीं यार, रोज कुछ ना कुछ सामान खत्म हो जाता है घर का, आज ये भी वो नहीं वो नहीं, तो मुझे कल ही सामान मंगाया तो मुझे ऐसे लग रहा था आज मैं फिर बोलूँगी हस्बैंड को वो नहीं है हल्दी नहीं। वो मुझे कहते हैं भाई एक बार देख लो सारा सामान क्या क्या ख़त्म है क्या है, वो फिर भी क्या होता है ना किचन का सामान है, सब औरतें एग्री करेंगी, सब औरतें मेरे साथ एग्री करेंगी कि सामान किचन का पता ही नहीं चलता भाई, आज ये ख़त्म है कल वो ख़त्म है परसों वो ख़त्म है, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आपको एक और बात बतानी है, अच्छा पहले पहले ऑयल, ऑयल के अंदर आपने जीरा डाल दिया, जीरा के अंदर प्याज डाल दिया, प्याज डाल के अभी मैंने इसके अंदर डाली है ये अदरक लहसुन की पेस्ट, ये देखें अदरक और लहसुन दोनों मिक्स है, ये मेरा फेवरेट है आहा। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अदरक प्याज मेरा अच्छे से भून गया है, अदरक लहसुन की पेस्ट थी वो भी भून गई है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर, बस यार आप लोगों का प्यार चाहिए, आप वीडियो को लाइक शेयर करें बहुत ज़्यादा और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो पूरी वॉच करें, बस मेरा छोटा पूरा हो जाएगा अच्छा लगेगा, क्योंकि हर इंसान को अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मुझे ये फील्ड अच्छी लगती है तो मैं चाहती हूँ आगे जाके भी ग्रो हो, और आप लोगों का साथ मुझे पूरा पूरा चाहिए। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, आज मैंने कुछ सामान मंगवाया है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाई हैं, वो आपको जब कोरियर आ जाएगा तो दिखाऊंगी, मतलब आज कोरियर आ जाएगा, आउट ऑफ डिलीवरी हो चुका है, तो कल के ब्लॉग में आप लोग वो देखोगे मेरी चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मंगाई गई हैं। मुझे ना खाना एकदम हाई फ्लेम पे पकाना बहुत मज़ा आता है, तो टमाटर डाल दिए थे उसके अंदर, मैं पहले देखूंगी दाल कितनी है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना, जिसने भी नहीं पता आपको पता है किसके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, हमेशा हर वीडियो में बताऊंगी कि जो लड़कियों की नई नई शादी हुई है उनके लिए, जो लड़कियाँ अकेली रहती हैं फॉरेन कंट्रीज में वगैरह वगैरह ना, उनके लिए है ये सबसे ज़्यादा। तो अभी मैंने इसके अंदर डाल दी है, डालने लगी हूँ, पहले मैं एक काम करती हूँ थोड़ा सा और पकने देती हूँ, उसमें ना नमक डाल देती हूँ, प्याज टमाटर में दाल के अनुसार आपने नमक डाल देना, मेरी दाल बहुत ज़्यादा नहीं है। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया, और मैं तो मसाले भी साथ में डाल देती हूँ, 12 मसाला वाला मैंने बना के रखा है एक डिब्बी में, 12 के 12 मसाले पूरे
मिक्स कर देती हूँ मैं एक मिनट, तो वही चलता है। तो अभी मैंने इसे मिला लिया है अच्छे से और इसके अंदर मैं डालूंगी अभी दाल। वो चलिए दाल इसके अंदर, सारे मसाले डाल देने हैं आपने, आपने जो मेन मसाला होता है अगर बाद में डाला तो बाद में भी डाल सकते हो, मैं डाल देती हूँ यार, मुझे कुछ ज़्यादा वो फर्क नहीं लगता, मैं डाल देती हूँ। तो दाल डाल दी है इसमें, दाल मैंने पहले कल उबाल के रख ली थी, मैंने कहा सही है, साथ में मैंने बना ली है गर्मा गर्म चावल भी, और आयशा आएगी तो आज दाल चावल खाएगी। और इस दाल में अब मैं डाल दूँगी, थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, नॉर्मल गाढ़ी है, ये देखो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, थोड़ी सी गाढ़ी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बट हस्बैंड जो है मेरे वो सिर्फ ऐसे ही खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने पका लिए हैं राइस, राइस बॉईल हो चुके हैं, तो हस्बैंड मेरे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा पानी वाली दाल उनको पसंद नहीं आती। तो मेरा जो व्लॉग होगा उसमें आपको कुछ कटा कटाया ऐसे नहीं मिलेगा कि ये वाला डाल दिया और ये वाला स्किप कर दिया वो कर दिया, मैं पूरी वीडियो बहुत अच्छे से एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या मैं बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, क्या मैंने डाला, अब मैंने क्या किया, कैसे मैंने पोटैटो धोया, कैसे मैंने आलू धोया, सब पोटैटो आलू एक ही होता, कैसे मैंने ऑनियन धोया, मतलब सब चीजें एक एक चीज में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये और मैं दिखाती भी हूँ हर वीडियो में, ये मैंने एक लिया था, अगर आप लोगों को भी लेना हो तो ऐसी चीजें ले सकते हो कि डब्बियां ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, एक बार में ये खोलो, इसके अंदर सारी चीजें हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, ब्लैक पेपर, सब ब्लैक पेपर डालना भूल गई मैं, ब्लैक पेपर कहाँ है, ये रहा ब्लैक पेपर, ये मैं छोटी सी डिब्बी लेके आई थी, बड़ी प्यारी सी है, तो ऐसे तो आएगा नहीं क्योंकि ये चम्मच मेरा थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दिया है। अभी मैं काटूंगी धनिया, मैं जो जो करूंगी काटूंगी धोऊंगी सब चीजें मैं आपके सामने करूंगी, तो आप लोगों को हर चीज मेरी देखने को मिलेगी कि मैंने क्या क्या किया है, व्लॉग में कुछ भी छूटेगा नहीं, आपसे कोई भी गलती नहीं हो सकती खाना बनाते। तो ये मैं बना क्या रही हूँ, ये तो मैंने बताया नहीं आपको मैं बना रही हूँ आज चने की दाल, चने की दाल सबसे इजी, कोई भी आए फटाफट बनाओ खिलाओ और खुश करो लोगों को, घी में भी बना सकते हो, ऑयल में भी बना सकते हो, और अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देंगे ना ऊपर से तो मज़ा ही आ जाएगा। मेरे घर में अभी बटर नहीं है क्योंकि अगर बटर आता ना तो फिर आशा ब्रेड पे बटर लगा के खाने का बहुत ज़्यादा वो तंग करती है, फिर इसलिए हम लोग कम लाते हैं, कि बच्चे हैं ये सब चीज़ें उनके लिए बटर बर्गर पहले बर्गर लेके आ गए मेरे हस्बैंड, दिखाऊँ आपको कौन सा था पैकेट, तो ये बर्गर का पैकेट मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे, ये देखिए इसके अंदर है टिक्की, टिक्की होती है इसमें तकरीबन है आई थिंक 20 pieces, ओ माई गॉड 20 pieces यहाँ तक था पूरा भरा हुआ। अभी टिक्की इन लोगों ने कैसे बनाई, जैसे हम लोग बाहर खाते हैं इंडिया में खाते हैं तो मोटी वाली होती है, इन लोगों ने बिल्कुल पतली फ्लैट वाली बनाई हुई है, और मैं आपको दिखाई देती हूँ, एक्चुअली ये नॉनवेज है तो मेरे हाथ में दोबारा धो लूँगी तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे करके एक टिक्की आती है इसके अंदर, ये देखिए ये टिक्की है, इसको फ्राई करो, फ्राई करके, और मैं आपको बर्गर भी दिखा देती हूँ, लगे हाथ, अब लगे ही है तो हाथ मेरे, ये है बन, ये देखिए ये वाले बन लेके आए हैं हम लोग, टिक्की को शैलो फ्राई करके उसके बाद इसके अंदर जो सारी मैंने केचप वैचप ला के रखी है, केचप लगानी है, मेयोनीज लगानी है, एक और मेयोनीज है वो तंदूरी मेयोनीज वो भी लगानी है, लगा के अपना प्याज टमाटर टमाटर सब कुछ रखो, एक टिक्की रखो, उसे बंद करो, थोड़ा सा तवे पे सेको और खा लो। आयशा कैसे खाती है, बच्चे कैसे खाते हैं, बच्चे खाते हैं, इसको दोनों साइड फ्राई किया और बिल्कुल ड्रॉप मेयोनीज लगाते हैं, एक दो ड्रॉप, आयशा ऐसे खाती है थोड़ी सी लगा के उसके अंदर टिक्की रख के ऐसे ही खा लेती है। तो रात को उसने दो खा लिए, दो बच्चों को ये दो बहुत कम हुई चीज़ें, एक दे दो ठीक है, दो दो नहीं दो, कल उसको इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है तो दो खा लेती, ये देख लीजिए एक बार ध्यान से, ऐसे मिलेगा आप लोगों को अगर आपको बाय करना है तो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इसका, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, मेरे को नहीं पता, बस जो खाते हैं वो बोलते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं अभी अच्छे से
एंड अपने वॉश कर लेती हूँ और चलते हैं दाल की तरफ। दाल में मैंने धनिया वनिया सब डाल दिया है, दाल फुल्ली रेडी है। तो आपको ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल ऐसे बनाना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। तो दाल में मैंने पानी नहीं डाला था क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि दाल में थोड़ा थोड़ा पानी है। तो खाना वाना तो सब हो गया है, आज बात करते हैं मनीषा रानी की। मनीषा रानी ने की है छठ पूजा। जी हाँ, मनीषा रानी ने छठ पूजा की है। ये बिहारियों में एक पूजा होती है जो ये लोग हर साल करते हैं। ये जो पूजा होती है ये 3 दिन की होती है। इसको बहुत ही खुशी से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मनीषा रानी ने इतनी प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है और पूरा सिंदूर यहाँ से यहाँ तक पूरा मतलब वो मांग में लगाते हैं। और ये जो बंगाली लोग होते हैं ना वो भी ऐसे ही करते, ये बिहारी है हाँ, तो बंगाली लोग होते हैं ना वो भी ऐसे ही लगाते हैं। बड़ा ही प्यारा लगता है ये। और मनीषा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मनीषा के जो फैन हैं उनको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। मनीषा की पिक्चरें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और हमने भी सोचा हम भी शेयर करते हैं मनीषा की चीजें। तो आप भी मनीषा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। छठ पूजा 3 दिन की होती है, 3 दिन में ये लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। और मनीषा तो अपने फैन को खुश करने का कोई मौका छोड़ती ही नहीं। आप भी मनीषा के फैन है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चना दाल जरूर बनाइएगा और बना के बताइएगा। जिस जिसको कुछ भी बेनिफिट हुआ है मेरी चीज से तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।